दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी रैंक और सैलरी के बारे में। फिलहाल दुनिया में इंडियन नेवी का रैंक 7th पोजीशन पर है, लेकिन भारतीय युवा इस पोस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। और दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट नौसेना है यूएस के पास, उसके बाद आती है चाइना, उसके बाद रसिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जापान, उसके बाद फ्रांस। 7th पोजीशन पर हमारा इंडिया आती है। फिर भी इंडियन नेवी पर आज का युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसीलिए इंडियन नेवी में जाने से पहले आपको इंडियन नेवी का बैजेस और इंसिग्निया के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो में हम बताने वाला हूँ इंडियन नेवी का रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, नहीं तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ इंडियन नेवी को भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाती है। नंबर 1 कमिश्नर ऑफिसर रैंक, नंबर 2 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक और नंबर 3 नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक। सबसे पहले नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रैंक को छोटे से बड़ा पद के लिए प्रमोट किया जाती है। तो आप मैं बात करूंगा नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा पद होती है सीमेन सेकंड क्लास की, जिनका कोई सिग्निया नहीं होती, उनको पहचानने के लिए किसी भी तरह का स्ट्रिप्स या फिर कुछ भी आपको बैजेस में नहीं देखने को मिल जाएगा। तो इनका सैलरी के बारे में बात करूं तो इनको बेसिक पे मिलती है 5,200 रुपीस से लेकर 20,200 रुपीस तक इनको मिलती है। इनको ग्रेड पे दिया जाती है और इनका ग्रेड पे होती है 2,000 रुपीस और इनका मिलिट्री सर्विस पे होती है 2,000 रुपीस। इससे ऊपर का पोस्ट होती है सीमैन फर्स्ट क्लास, जिनको पहचानने के लिए आपको किसी भी तरफ के सिग्निया आपको उनका सोल्जर पर नहीं दिखेगा। तो इनका जो बेसिक सैलरी होती है यानी कि पे स्केल होती है, जो उनका पे स्केल होती है वो होती है 5,200 रुपीस से लेकर 20,200 रुपीस तक होती है और उनका ग्रेड पे मिलती है 2,400 रुपीस और मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपीस तक उनको मिलती है। और सब कुछ मिलाकर उनका जो सैलरी होती है वो 30,000 रुपीस तक उनका हाईली सैलरी होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लीडिंग सीमैन, जिनको पहचानने के लिए आपको एक एंकर दिखने को मिल जाएगा उनके शोल्डर पर। और इनका जो बेसिक सैलरी यानी कि पे स्केल जो मिलती है उनको 5,200 रुपीस से लेकर 20,200 रुपीस तक होती है। उनको ग्रेड पे भी मिलती है, ग्रेड पे 2,800 रुपीस तक उनको ग्रेड पे मिलती है और उनका मिलिट्री सर्विस पे जो होती है वो 2,000 रुपीस तक उनका मिलिट्री सर्विस पे होती है। और इनका टोटल सैलरी के बारे में बात करूँ तो उनको टोटल सैलरी मिलती है 35,000 रुपीस तक उनको टोटल सैलरी मिलती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है पेटी ऑफिसर, जिनको पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर आपको 2 एंकर का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाएगा। और इनका जो बेसिक पे होती है यानी कि उनका जो सैलरी का पे स्केल होती है वो 5,200 रुपीस से लेकर 20,200 रुपीस तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 2,800 रुपीस और मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपीस तक उनको मिलती है। और उनका जो टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो वो 40,000 से लेकर 45,000 रुपीस तक होती है। अब मैं बात करूंगा जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा पोस्ट होती है चीफ पेटी ऑफिसर, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर एक खिलती कमल का माला में एंकर देखने को मिल जाएगा। और इनका जो सैलरी होती है उनके अंदर जो पे स्केल होती है वो 9,300 रुपीस से लेकर 34,800 रुपीस तक होती है और उनको ग्रेड पे दिया जाती है 4,200 रुपीस और उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 2,000 रुपीस। उनका टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो 50,000 से लेकर 60,000 रुपीस तक उनको पे किया जाती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर देखने को मिल जाएगा एक स्ट्रिप्स और साथ में कमल का माला में एक एंकर भी देखने को मिल जाएगा। और उनका जो सैलरी होती है, सैलरी के अंदर जो पे स्केल मिलती है वो 9,300 रुपीस से लेकर 34,800 रुपीस तक होती है और उनको ग्रेड पे दिया जाती है 4,600 रुपीस और मिलिट्री पे सर्विस मिलती है उनको 2,000 रुपीस। उनका टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो उनको पर मंथ 60,000 रुपीस से लेकर 65,000 रुपीस तक उनको पे किया जाती है। तो उससे ऊपर का पोस्ट आती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर देखने को मिल जाती है खिलती कमल की एक माला में एक एंकर देखने को मिल जाती है और 2 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है। और उनको पे स्केल मिलती है 9,300 रुपीस से लेकर 34,800 रुपीस तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 4,800 रुपीस और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 2,000 रुपीस। और इनका टोटल सैलरी के बारे में बात करूँ तो इनका टोटल सैलरी मिलती है 70,000 रुपीस लेकर
90,000 रुपीस तक इनको हाईली पे किया जाती है। अब मैं बात करूंगा कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे पहला पोस्ट होती है, यानी कि सबसे छोटा पोस्ट या फिर पहला पोस्ट होती है सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए आपको एक मीडियम साइज का स्ट्रिप्स दिखने को मिल जाएगा और उनके ऊपर एक लूप भी होती है जो उनका शोल्डर पर लगी रहती है। तो इनका जो बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी जो होती है वो 15,600 रुपीस से लेकर 39,100 रुपीस तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 5,400 रुपीस और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीस और उनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है 80,000 रुपीस से लेकर 90,000 रुपीस तक उनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए आपको दो मीडियम साइज का स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगा और साथ में एक लूप भी आपको देखने को मिल जाती है और उनका जो बेसिक सैलरी रहती है 15,600 रुपीस से लेकर 39,100 रुपीस तक होती है और उनका ग्रेड पे मिलती है 6,100 रुपीस और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीस और उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो 90,000 रुपीस से लेकर 100,000 रुपीस तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट कमांडर, जिनको पहचानने के लिए आपको 3 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और बीच वाली स्ट्रिप्स बहुत ही छोटा रहती है, ऊपर में उनका एक लूप देखने को मिल जाती है और इनका जो बेसिक पे यानी कि पे स्केल जो होती है वो 15,600 रुपीस से लेकर 39,100 रुपीस तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 6,100 रुपीस और उनको मिलिट्री पे सर्विस मिलती है 6,000 रुपीस और इनके साथ उनका जो टोटल अर्निंग होती है वो 1,00,000 से 1,10,000 रुपीस तक होती है। लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद आती है कमांडर, जिनको पहचानने के लिए आपको उनके शोल्डर पर 3 गोल्डन कलर की मीडियम साइज की स्ट्रिप्स दिखने को मिल जाती है, साथ में एक लूप भी दिखने को मिल जाती है। उससे ऊपर का पोस्ट आती है कैप्टन, जिनको पहचानने के लिए आपको 4 गोल्डन कलर की मीडियम स्ट्रिप्स उनके कंधे पर देखने को मिल जाती है और साथ में एक लूप भी देखने को मिल जाती है और इनका जो बेसिक पे होती है वो होती है 37,400 रुपीस से लेकर 67,000 रुपीस तक होती है और उनका ग्रेड पे मिलती है 8,700 रुपीस और मिलिट्री पे सर्विस मिलती है 6,000 रुपीस। इसी के साथ उनका जो टोटल अर्निंग होती है वो होती है 1,35,000 रुपीस तक उनका टोटल अर्निंग होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है कमोडोर, जिनको पहचानने के लिए एक 12 स्ट्रिप्स भी होती है और साथ में एक लूप भी होती है और इनका जो बेसिक पे होती है वो होती है 37,400 रुपीस से लेकर 67,000 रुपीस तक होती है और उनका ग्रेड पे मिलती है 8,900 रुपीस और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीस। इन सारी कुछ मिलाकर उनका जो टोटल अर्निंग होती है वो होती है 1,45,000 रुपीस से लेकर 1,50,000 रुपीस तक होती है इनका टोटल अर्निंग और ये एक 1-स्टार रैंक है जो उनका यूनिफॉर्म की कॉलम में लगाई जाती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है रियर एडमिरल, जिनको पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर आपको 2 स्टार देखने को मिल जाएगा और साथ ही तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाएगा और एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है उनकी शोल्डर पर और एक 2-स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कलर में लगाई जाती है और इनका जो बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी जो होती है वो 75,500 रुपीस से लेकर 80,000 रुपीस तक होती है। ग्रेड पे दिया जाती है 10,000 रुपीस। आर्मी पे सर्विस भी उनको नहीं मिलती। इसी की वजह से उनका जो टोटल इन हैंड कैश जो मिलती है वो होती है 1,50,000 रुपीस से लेकर 1,80,000 रुपीस तक उनको टोटल पे किया जाती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है वाइस एडमिरल, जिनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 3 स्टार जो ट्राइंगल शेप में लगे रहती है 3 स्टार और साथ में तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाती है और साथ में एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है और एक 3-स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कलर में लगाई जाती है और इनका जो बेसिक सैलरी यानी कि जो उनको पे स्केल मिलती है वो होती है 75,500 रुपीस से लेकर 80,000 रुपीस तक मिलती है और उनको ग्रेड पे नहीं मिलती और मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मिलती। इसी के साथ उनका जो टोटल इन हैंड कैश मिलती है वो होती है 2,00,000 रुपीस तक उनको टोटल इन हैंड कैश दिया जाती है। इसी के साथ इंडियन नेवी का सबसे ऊंचा पोस्ट होती है एडमिरल की, जिनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 4 स्टार देखने को मिल जाती है और साथ में तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह और साथ में एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है और ये एक 4-स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है और उनका जो पे स्केल मिलती है वो 75,000 से लेकर 80,000 रुपीस तक होती है
और उनको ग्रेड पे नहीं मिलती और मिलिट्री पे सर्विस भी नहीं मिलती। इसी के साथ उनका जो टोटल अर्निंग यानी कि टोटल इनहैंड कैश जो होती है वो 2 लाख से 2.5 लाख रुपीस तक उनको दिया जाती है। और इससे ऊपर में और एक पोस्ट रहती है जो किसी को सम्मान में दिया जाती है, जिनको कहती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये अभी तक इंडिया में किसी को नहीं दिया गया। और इनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर 5 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और उनकी स्ट्रिप्स के अंदर जो पहले वाला स्ट्रिप्स है वो सबसे बड़ा स्ट्रिप्स होती है और स्ट्रिप के साथ एक लूप भी रहती है। और ये एक 5-स्टार रैंक होती है जो उनकी यूनिफॉर्म के कलर में लगाई जाती है। अभी तक ये रैंक किसी को नहीं दिया गया, यानी कि किसी को सम्मान के तौर पर ये रैंक अभी तक नहीं दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो आप इस वीडियो को लाइक कर जाइए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको लगता है इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया होगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।